हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हमने आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि मैं अपने सर्वर के अंदर डीएचसीपी स्कोप को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। अब तक हम अपने ट्यूटोरियल्स में एडीडीएस की इंस्टॉलेशन, डीएचसीपी की इंस्टॉलेशन, डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब जो हमारे पास जो मेन टास्क आती है वो होती है कि मैं WDS यानी कि विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को अपने सर्वर के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना होगा, एड रोल्स एंड फीचर्स पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको जैसे पिछले वाले ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां पर मेरे कंप्यूटर का नाम, सर्वर का नाम दैट इज, और उसका आईपी एड्रेस आ चुका है नेक्स्ट। फिर हमें जो यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करनी है विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। उसके बाद ऐड फीचर्स पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर अभी हमें इस वाले फीचर्स में से कोई चीज चूज नहीं करनी है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डिप्लॉयमेंट सर्वर और ट्रांसपोर्ट सर्वर दोनों आपको इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देंगे, तो WDS इंस्टॉल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि मुझे WDS की फंक्शनैलिटी अपने सर्वर के अंदर कैसे एड ऑन कर सकता हूँ। तो इसके बाद वाली जो स्टेज होगी, बाद वाली स्टेज में हम करेंगे कि WDS अगर मैं इंस्टॉल कर देता हूं तो उसको अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर कैसे कर सकता हूं। पर उससे कॉन्फ़िगर करने से पहले मेरे पास दो चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरे पास एक ISO इमेज होनी चाहिए जो मैं अपने सर्वर पर डिप्लॉय करना चाहता हूं, जिससे वो हर एक सिस्टम में उस इमेज को डिप्लॉय करे। और फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, एक ISO टूल होना चाहिए। तो WDS के लिए दो फाइल्स की जरूरत पड़ती है, वो होती है boot.vim और install.vim। तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उनके ऊपर कैसे काम करना है, ये हम अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो आज वाले ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।